और देश के दुश्मनों के बीच कितना फासला है? बस एक आदमी का। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, हैप्पी दिवाली अगेन टू ऑल ऑफ यू। भाई टाइगर फाड़ रहा है और जबरदस्त फाड़ रहा है, फाड़ नहीं रहा है, दहाड़ रहा है थिएटर हाउस में। जबकि आज ऐसा दिन है इस मूवी के लिए, आज दिवाली का ओकेजन चल रहा है तो लोग अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करेंगे और उसके लिए प्लानिंग्स भी चल रही होंगी। दूसरी तरफ इंडिया वर्सेस नीदरलैंड का फाइनल लीग मैच चल रहा है तो वहाँ पर भी ऑडियंस लगी पड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी इस मूवी ने जनता को थिएटर पर लाने तक मजबूर कर दिया क्योंकि इस मूवी का बज ही जबरदस्त चल रहा है और हाई लेवल पर चल रहा है। देखो एडवांस बुकिंग इतनी सॉलिड नहीं हुई, अच्छी खासी हुई, ठीक ठाक हुई, उतना ज़्यादा एडवांस बुकिंग से देखने को नहीं मिला है, लेकिन वही चीज़ है और वर्ड ऑफ माउथ जब काम करता है ना, कॉन्टेंट इज़ द किंग, पब्लिक इज़ द किंग। जब पब्लिक आती है ना अपने रौद्र रूप में तो भाई कोई भी मूवी को ऊपर उठा डालती है। तो ये तो फिर भी टाइगर 3 है, सलमान खान है और यहाँ से मूवी को रिव्यू बहुत अच्छे मिल रहे हैं। इवन जो एक आध ट्रॉलर्स होते थे जो छोटी सी छोटी कमियाँ निकाल के पूरी मूवी की लेके रखते थे, उन बंदों ने भी इस मूवी को सपोर्ट किया है। सपोर्ट इसलिए भी नहीं किया है कि चैरिटी वाइज, नो, कंटेंट इज अमेजिंग, स्टोरी लाइन इज अमेजिंग, एक्शन से जितना उम्मीद थी टाइगर फ्रेंचाइजी की जो हाइप सेट कर रखी थी उसको मेंटेन करा है और उससे कहीं ज़्यादा देकर गई है ये मूवी। पठान से भी भयंकर फाड़ के गई है, तो दैट्स वाई कि ये मूवी का लोगों को पसंद भी आ रही है और लोगों ने इसकी तारीफ भी करी है और रिव्यूज़ पॉजिटिव आए हैं। तो आज नहीं, कल से जो हाइप सेट होगी, कल से जो कमाई होने वाली है बॉक्स ऑफिस में, कल से जो थिएटर में भीड़ होने वाली है, क्राउड होने वाला है, भाई थिएटर क्रैक हो सकता है, इस लेवल की भीड़ देखने को मिल सकती है। तो वही आपको बताऊंगा कि एडवांस से कितना कलेक्शन किया था और ये मूवी आज पहले दिन में कैसी कमाई सेट करने वाली है, कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में फाड़ के जाने वाली है, क्योंकि थिएटर में ऑक्यूपेंसी रेट बहुत शानदार चल रही है, इवनिंग और नाइट में कम चल रही है क्योंकि वहाँ पर सेलिब्रेशन चलेगा दिवाली का। तो अभी सब चीज़ों पर बात करेंगे, कितने एडवांस बुकिंग करी है, कितना ये कलेक्शन आज करते नजर आ रही है और कितना कलेक्शन आज कर सकती है अपने डे वन पर। तो इससे पहले आपको वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना है और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करना है। चलिए शुरू करते हैं। वैसे सिर्फ 2D हिंदी सिंगल स्क्रीन से अगर मैं बताऊं तो इस मूवी ने 21.5 करोड़ मतलब 21.5 करोड़ का जाइंट कलेक्शन सिर्फ 2D सिंगल स्क्रीन से कर रखा है, जिसमें से 8,20,000 इन्होंने टिकट सेल करे हैं। टोटल एडवांस बुकिंग कितनी करी इन लोगों ने, उससे पहले मैं आपको नेशनल चेन्स की हालत बताऊंगा, जबरदस्त चल रही है। PVR और INOX का बताऊं तो 8,75,00,000 के आसपास इन्होंने कलेक्शन किया है PVR INOX से, सिनेपॉलिस से 2,10,00,000 का, और टोटल कलेक्शन सिर्फ नेशनल चेन से इस मूवी ने कर लिया था एडवांस में ही 10,85,00,000 के आसपास, जो कि ह्यूज कलेक्शन है। तो टोटल एडवांस में कितना कमाया है इस मूवी ने, टोटल एडवांस में 23 करोड़ के आसपास ये मूवी कलेक्शन करके लाई है और जबरदस्त कलेक्शन करके लाई है। गदर 2 का रिकॉर्ड जो था 17,60,00,000 का, वो तो कल ही बीट डाउन कर दिया था, लेकिन पठान के रिकॉर्ड को बीट डाउन करना बाकी रह गया। पठान का 32 करोड़ था, जवान का 40 करोड़ था, जिन्होंने एडवांस से ही 32 और 40 करोड़ कमाया था पठान और जवान ने, लेकिन टाइगर 3 ने एडवांस में कमाया है 23 करोड़। टिकट इन्होंने सोल्ड आउट करे हैं 8,77,000 के आसपास और टोटल शो जिनके खाते में आए हैं 18,500। तो शोज की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज ऐसा है कि दिवाली ओकेजन चल रहा है, दैट्स वाई कि वहाँ इतनी ठीक ठाक भीड़ देखने को मिल रही है, लेकिन कल से परसों जो हॉलीडे है वहाँ पर फाड़ के जाने वाली है। ओवरसीज से कितना हाथ लगा भाई, ओवरसीज से 14 करोड़ ये मूवी कलेक्शन करके लाई है एडवांस से ही। तो टोटल ये मूवी कितनी कलेक्शन कर सकती है आज डे वन पर, देखो ऑक्यूपेंसी रेट अगर मैं बताऊं तो सुबह की और मिड दोपहर की 12 बजे के आसपास, अर्ली आफ्टरनून की अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी है, उसके बाद इवनिंग और नाइट में थोड़ा सा क्राउड डाउन जाते दिखा है क्योंकि इवनिंग टाइम पर लोग मैच में भी बिजी रहेंगे और लोग दिवाली सेलिब्रेशन में भी बिजी रहेंगे, दैट्स वाई कि थिएटर में इतना भीड़ नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन डे वन पर जिस हिसाब से एडवांस बुकिंग हुई है, नेट इंडियन कलेक्शन 45 से 50 करोड़ कहीं नहीं गया, तो आज डे वन पर ये मूवी 45 से 50 करोड़ कमा के लाने वाली है। और ओवरसीज से कितना आएगा, कल मूवी पहले ही रिलीज हो गई थी, मतलब एक दिन पहले ही, तो ओवरसीज से 35 से 40 करोड़ आता दिख रहा है। तो डे वन पर मैं भी मान के चलो कि 90 से 95 करोड़ ये वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करते नजर आ रही है। आप लोगों की क्या राय है, क्या ये मूवी डे वन पर नेट इंडिया से 50 करोड़ ला पाएगी, डे वन से 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ला पाएगी, जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।